दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप इंडिया में चाहें तो शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं ये चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज ऐसे हैं इनको आप दो तरीके से शुरू कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका, अगर आपको टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है या फिर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए बजट है, सो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, खुद इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं और मार्केट में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और सेकंड तरीका क्या है, मान लीजिए अगर आपके पास इतना टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है और साथ ही साथ में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना ज्यादा बजट भी नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी मार्केट में काम कर रही है। सो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज क्या है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं उन चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज बोल दूं कि इन चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जिस भी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के सबसे पहले स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों ये स्टार्टअप बिजनेस आइडिया डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस है। देखिए दोस्तों हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो वो बहुत सारी गाय भैंस बकरियां इन सबको पालते हैं। अब दोस्तों इनसे जो दूध निकलता है उसी दूध को मार्केट में बेचते हैं और उनको उनसे पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए कि इनकी जो गाय भैंस बकरियां हैं अगर ये बीमार पड़ जाती है तो क्या वो दूध दे पाएगी? ऐसी कंडीशन में या तो बहुत ही कम दूध देगी या दूध नहीं देगी। लेकिन मार्केट के अंदर तो दूध की डिमांड हमेशा बनी रहती है, मतलब इनको सप्लाई तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में ये अपने जानवर की बहुत ज्यादा केयर करते हैं क्योंकि ये खुद जानते हैं कि अगर इनके जानवर बीमार पड़ गए तो दूध कम देंगे और अल्टीमेटली इनका नुकसान हो जाएगा। अब दोस्तों जरा सोचिए अगर कोई ऐसी मशीन अवेलेबल हो जिससे जानवर के बीमार होने से पहले ही पता लगाया जा सकता है कि वो बीमार होने वाला है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है और साथ ही साथ में जब वो बीमार हो जाएगा तो दूध कम हो जाएगा, उससे भी बचा जा सकता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है AI टेक्नोलॉजी की मदद से। आपको एक ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जिसकी मदद से इन जानवरों की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके, जैसे कि उन्होंने दिन भर में कितना खाया, कितना पानी पिया, कितनी दूर चले, और साथ ही साथ में जब भी कोई बीमारी आती तो उससे पहले सिम्टम्स आते हैं तो उन सिम्टम्स को भी ट्रैक किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीन आपको बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको AI टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको AI टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास पैसे हैं तो आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हो जिनको AI टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उनसे आप इस तरीके की मशीन बनवा सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि ना तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और ना ही आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, तो आप ऐसी कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे आसपास में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, तो आप उनसे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और अपने आसपास के लोगों को सप्लाई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी कंपनीज इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जब मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे इस तरीके का स्टार्टअप को आप शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अगला स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्वेस्टमेंट, और हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप तो शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी वजह से स्टार्टअप शुरू नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं आपको अगला स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने घर बैठे बैठे गेम खेल के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और उस पैसे को अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जंप ट्रेड पर स्टार्ट हुए MCL की। MCL का फुल फॉर्म है मेटा क्रिकेट लीग, जिसमें आप अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के हिसाब से क्रिकेट गेम में NFT करवा के डेली का $100 से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों इस गेम की शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी जिसने अपने लॉन्च के बाद ही ग्लोबल मार्केट में अलग ही तहलका मचा दिया है। एवरीडे अर्निंग वाला फंडा इसे दूसरे किसी भी अर्निंग प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है। रही बात इसके अचीवमेंट और पॉपुलैरिटी की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी हाल फिलहाल में जंप ट्रेड ने एक फाइनल टूर्नामेंट नाम से गेम लॉन्च किया था जिसे इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें $10,000 जैसे बड़े प्राइस पूल के लिए 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था, जिसके थ्रू मोस्टली सारे पार्टिसिपेंट्स ने काफी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स अर्न किए थे। अब दोस्तों आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे गेम्स के थ्रू अर्निंग आखिर ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों इस गेम को खेलने के लिए आपको सबसे पहले क्रिकेट से रिलेटेड दो NFTs परचेस करने होंगे, जिसमें पहला NFT बैट्समैन का होगा और दूसरा बॉलर का होगा। आप इन्हें जंप ट्रेड के NFT मार्केटप्लेस पर जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों दोनों NFT सक्सेसफुली परचेस करने के बाद में आपको बस जंप
ट्रेड की वेबसाइट के थ्रू MCL ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आप गेम खेलकर इजीली 5 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों है ना काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल। और तो और दोस्तों, मान लीजिए अगर आप NFT परचेस कर लेते हैं और उसके बाद में आपको खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर रेंटिंग ऑप्शन का यूज करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जहां पर आपको 5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ रियल यूजर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप जंप ट्रेड को डाउनलोड कर सकते हैं और गेम खेल के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सेकंड स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में। दूसरा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया एथलीट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, आप कुछ जानते होंगे, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रनिंग के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जो साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और उसके लिए वो रनिंग की तैयारी करते हैं। अब आप खुद जानते होंगे, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। स्पीड जितनी ज्यादा फास्ट होंगे, उतने ही उनके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, स्पीड को मेजर करने के लिए बहुत सारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मोबाइल को लेकर भागने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। और आप खुद जानते होंगे, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जो कपड़े भी पहनते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से भाग सकें। तो ऐसे केसेस में मोबाइल काम नहीं आता। सो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो वो अपने पांव पे या फिर हाथ पे बांध के भाग सके या फिर चश्मे के जैसे पहन सके, और उसकी मदद से उनको ये पता चल जाए कि वो कितने स्पीड में भाग रहे हैं, और साथ ही साथ में उनको ये भी पता चल जाए कि उन्होंने कितनी कैलोरीज कम की, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको वो डिवाइस बता दे। और साथ ही साथ में उनको मोबाइल की कोई ज़रूरत ना हो, मोबाइल अगर दूर भी पड़ा हो तो फिर भी उनको मैसेज पता चल जाए इसी डिवाइस की मदद से। और साथ ही साथ में अगर किसी का फ़ोन आता है तो इसी फ़ोन से वो फ़ोन ऑटोमेटिकली उठ जाए और वो उससे बात भी कर पाए। तो दोस्तों, इस तरीके का डिवाइस डिज़ाइन किया जा सकता है और मार्केट में सप्लाई करके अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, हर साल कितने सारे लोग सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको जो रेस कंप्लीट करनी होती है, रनिंग कंप्लीट करनी होती है, उसको भी इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके का डिवाइस कैसे बनाया जा सकता है, हमको तो इतना नॉलेज नहीं है। तो कोई बात नहीं, कनाडा की एक कंपनी है जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से ऐसे डिवाइसेस लेकर इंडिया में ला सकते हैं और यहां पे सप्लाई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं उस कंपनी का नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जब मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को इंडिया में शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तीसरा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया फूड वेस्टेज से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फूड बनाकर सर्व किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं या जहाँ पे फूड बनाकर सर्व किया जाता है, इनमें से ये बहुत सारी चीजें पहले से बनाकर रखते हैं और जब कस्टमर आते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनाकर दे देते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, ग्रेवी पहले से तैयार रहती है। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट के अंदर गए और आपने बोला कि मुझे मटर पनीर खाना है, तो वो क्या करेंगे, ग्रेवी के अंदर मटर और पनीर को डालकर गर्म करके आपको सर्व कर देंगे। तो दोस्तों, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीजें पहले से तैयार करके रखी जाती है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, रेस्टोरेंट वाले या जो लोग भी खाना बनाकर सर्व करते हैं, वो लोग एक प्रिपरेशन पहले से तैयार करके रखते हैं। उनका अंदाजा होता है कि इतने कस्टमर्स तो आएंगे तो इतना सामान तो लगने वाला है। अब बहुत बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि उतने कस्टमर्स नहीं आते, तो उन केसेस में वो जो सामान होता है या तो उनको फेंकना पड़ता है या फिर एम्प्लॉयज को देना पड़ता है। तो दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में उनका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। सो दोस्तों, आप खुद सोचिए, हमारे आसपास में कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कितनी सारी ऐसी जगह है जहां पे फूड बनाकर सर्व किया जाता है, तो कितना सारा खाना वेस्ट होता होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं और जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं उनको बोल सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाकर रेडी कर दीजिए और उसके बाद में उसी प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस में हमारे प्लेटफॉर्म पे बेच दीजिए। तो जहां पे आपको पूरा नुकसान होने वाला था, वहां पे आपको कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं तो सबके लिए विन-विन सिचुएशन क्रिएट होगी। एक तो कस्टमर्स जो होंगे उनको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में चीजें खाने को मिल जाएगी। सेकंड चीज, जिनका पैसा पूरा वेस्ट होने वाला था, मतलब जो रेस्टोरेंट वाले हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं तो आपको भी कमीशन मिल जाएगा। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो फूड वेस्टेज का पता चलता है ये तो एकदम डे एंड में पता चलता है, एकदम रात में पता चलता है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे। दोस्तों, इस चीज का आंसर भी है मेरे पास, लेकिन मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। चौथा और आखिरी स्टार्टअप बिजनेस आइडिया ड्रोन से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, ड्रोन एक ऐसी चीज
है जिसकी डिमांड मार्केट में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। देखिए अगर अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो इंडिया के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ 2 या 3 जगहों पे किया जाता है, जैसे कि डिफेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिनेमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेडिंग्स के अंदर लोग ड्रोन को उड़ाते हैं और उसमें से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और शॉर्ट फिल्म के अंदर, फिल्मों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज की बात की जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि फार्मर्स को हेल्प करता है पानी देने के लिए, मतलब फसलों में जो पानी दिया जाता है वो ड्रोन की मदद से दिया जा सकता है, और साथ ही साथ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको साफ करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ में डिलीवरी करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो एरियल मैपिंग हो गया, सर्विलेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, स्मार्ट फार्मिंग हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे सबसे पहले किसी भी चीज का इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज में होता है और उसके बाद में उन्हीं चीजों को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे ड्रोन का इस्तेमाल इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो दोस्तों इस सेक्टर से रिलेटेड आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि किन किन तरीकों से स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है ड्रोन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसके ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए मैंने जंप ट्रेड का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप उसको यूज कर सकते हैं और गेम खेल के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।